पाठ योजना 8 डीलेट सेकेंड सेमेस्टर। सबसे ऊपर लिखेंगे पाठ योजना 8, इधर लिखेंगे दिनांक, फिर कक्षा, फिर विषय, फिर उप विषय हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इधर चक्र और इधर अवधि, इस प्रकार से लिखेंगे। नीचे लिखेंगे प्रकरण, प्रकरण है हमारा टपका का डर, तो ये हमारा प्रकरण है। इसके बाद हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, पहली हेडिंग होगी हमारी। इसमें हमें इन दो उद्देश्यों को लिखना है, इन दो उद्देश्यों को जब हमारा लिख जाएंगे उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी विशिष्ट उद्देश्य नाम से। इसमें हम लिखेंगे छात्रों को बरसात के मौसम में पड़ने वाले प्रभाव से परिचित कराना। नेक्स्ट हेडिंग होगी सहायक सामग्री, इसमें लिखेंगे चार्ट, शिक्षणोपयोगी वस्तुएं आदि। नेक्स्ट हेडिंग होगी पूर्व ज्ञान, इसमें हम लिखेंगे सभी छात्रों को बरसात के मौसम की सामान्य जानकारी है। जब इतना काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी वह होगी प्रस्तावना प्रश्न के नाम की। प्रस्तावना प्रश्न कॉलम को दो कॉलम में डिवाइड करेंगे, इधर लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रियाएँ, इधर छात्र क्रियाएँ। इन तीनों प्रश्नों को नोट करेंगे और इनके आंसर भी इसी प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद जो अगली हेडिंग होगी वह होगी उद्देश्य कथन नाम की। इसमें हम कहेंगे बच्चों आज हम सब लोग टपका का डर नामक कहानी पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग होगी प्रस्तुतिकरण, इसमें हम लिखेंगे बरसात का डैश 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 टप टप। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी उस कॉलम, जो हमारा अगली हेडिंग होगी उसको हम चार कॉलम में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। इधर लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापिका क्रियाएँ, फिर छात्र क्रियाएँ, फिर मूल्यांकन प्रश्न। शिक्षण बिंदु में पहली हेडिंग होगी आदर्श वाचन नाम की, दूसरे कॉलम में इसको नोट कर देंगे, थर्ड कॉलम में इसको नोट कर देंगे और फोर्थ कॉलम में इसे नोट कर देंगे। इसके बाद अगली हेडिंग होगी अनुकरण वाचन, इसके अगले वाले कॉलम में इसे नोट करेंगे, उसके अगले कॉलम में इसको और उसके अगले कॉलम में इसको नोट कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वह होगी काठिन्य निवारण, उसके अगले कॉलम में इसे नोट करेंगे और एक कॉलम छोड़ के अगले कॉलम में इसको नोट कर देंगे। इसके बाद जो हमारी अगला का जो हेडिंग होगी वह होगी श्यामपट कार्य, श्यामपट कार्य में तो इसके नेक्स्ट हेडिंग होगी श्यामपट कार्य। श्यामपट कार्य के लिए हमें एक जो है ब्लैक चार्ट चाहिए होगा। ब्लैक चार्ट को इस तरह से एक टुकड़ा काट लेंगे और उसको अपनी कॉपी पर चिपका देंगे। इसके बाद हम व्हाइट स्पार्कल की मदद से इधर लिखेंगे शब्द, इधर अर्थ। पहला शब्द है डर, डर का अर्थ होता है भय। दूसरा है अंदर, अंदर का अर्थ होता है भीतर। तीसरा है भाव, भाव का अर्थ होता है पके चावल। तो इस प्रकार से श्यामपट कार्य जब कंप्लीट हो जाएगा फिर नीचे हम लिखेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। लेखन निरीक्षण कार्य में ये जैसे लिखा है इसी प्रकार इसको नोट कर देंगे। लास्ट हेडिंग होगी हमारी गृह कार्य। गृह कार्य में कहेंगे लिखेंगे बच्चों आप सभी लोग पढ़ाए गए गद्य खंड का सुलेख लिख कर लाएंगे। उनको लिखने के लिए नहीं देना है, केवल उनको पढ़ने के लिए कहना है कि आप सभी जो है घर से पढ़ कर आएंगे। कक्षा 1-2 में होमवर्क नहीं दिया जाता है, इसलिए उनको लिख कर लाने के लिए नहीं कहना है, केवल आप घर से जो है इसको रिवाइज करके आएंगे, ऐसा जो है होमवर्क देना है। तो ये हमारी पाठ योजना जो है कंप्लीट होती है। पाठ योजना 9 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करेंगे।